हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजाज गार्डन। आज मैं आपको सदाबहार की कटिंग कैसे लगानी है वो बताऊंगी। ये मेरे पास सदाबहार का प्लांट है, ये देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी की कटिंग कैसे लगानी है, ये एक रोड के किनारे लगा हुआ था। मैं कल इसको लेके आई हूँ और लाते ही मैंने इसको ग्लास में पानी डाल के रख दिया था स्टेम्स को। और इसमें देखो कलर कौन सा है, ये रेड डॉट है और एक ये है जिसमें येलो डॉट है। देखिए येलो डॉट है, ये भी रेड डॉट है, ये रेड डॉट है और ये येलो डॉट है। बहुत सुंदर है, देसी वैरायटी है। मेरे को कभी ऐसा प्लांट मिला नहीं कहीं भी रोड साइड में लगा हुआ देसी वैरायटी का। मोस्टली प्लेन वाइट या पिंक यही कलर होते हैं पर्पल से, बट ये अलग सा था, रोड के साइड में लगा होता। तो मैं कट करके ले आई और इसको मैंने पानी में रख दिया। सबसे पहले हम इसके लीव्स रिमूव करेंगे। इसकी सारे लीव्स रिमूव कर लेने हैं ऐसे, स्टेम्स भी थोड़ी रिमूव कर ले। मैं इसकी न्यू ग्रोथ रख रही हूँ, ये लीफ कट कर रही हूँ। ये देखिए न्यू ग्रोथ रख रही हूँ, लीफ को कट कर रही हूँ। तो ऐसे कीजिए, इसकी न्यू ग्रोथ रखिए और लीव्स कट कर दीजिए। ये मैंने सारा रिमूव कर दिया। अब हमने इसकी स्टेम लगानी है, इसे नोड बोलते हैं। ये नोड्स होती हैं, यहाँ से न्यू लीव्स, न्यू शूट्स निकलते हैं, न्यू ब्रांचेस निकलती हैं, रूट्स भी यहीं से निकलेंगी। तो इसलिए मैं इस नोड से थोड़ा सा नीचे एक स्लैंटिंग कट लगाऊंगी। वैसे मैंने ये लगा लिया है, तो आप भी, ये मैंने कल लगाया था तो आपको मैं लगाना बताऊंगी। ये कल लगाया था, आज एक फ्रेश लगाऊंगी। एक स्लैंटिंग कट लगाना है थोड़ा सा नीचे ऐसे, एक स्लैंटिंग कट लगा के और इसके हम थोड़ा सा यहाँ पर इतना हिस्सा मिट्टी में जाएगा और बाकी एक और कट लगाते हैं हम। और इसकी मैं थोड़ा सा काट देती हूँ इसको, एक स्टेम ये है, एक ये हो गई। ऐसे हम सबको कट कर लेंगे। इसके हम फू जो हैं फ्लावर्स रिमूव कर देंगे, नहीं तो इनको खाना चाहिए, खाना कहाँ से देगा, रूट्स तो है ही नहीं ऐसे। मैंने इसकी जितने भी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं सभी को कट कर रही हूँ। और ये मैंने ऊपर की लीव्स में हाफ कट लगा दिया और मैंने इसमें यहाँ पे स्लैंटिंग कट लगा दिया। मैं छोटी से छोटी सभी ब्रांच को लगा दूँगी, जो लग गई नहीं लगी तो जो मर भी जाएगी तो हम उसको निकाल देंगे। जब भी आप कटिंग लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाएं, क्योंकि कुछ में रूटिंग होती है और कुछ में नहीं होती है। मैंने इन सभी ब्रांचेस को कट कर लिया है और अब देखें क्या करना है। ये मैंने एक पॉट में सिर्फ सैंड भरी है, सिर्फ सैंड है इसके अंदर और कुछ नहीं है। इसमें पानी डाल लें, इतना पानी डालें कि जब तक पानी नीचे से ड्रेन आउट ना हो जाए। ये देखिए सारा पानी निकला है नीचे से। अब आप एक स्टिक ले लें और इसमें होल बनाएं,
मैंने इस सदाबहार की कटिंग की जो ब्रांचेस ली हैं सारी की सारी ले ली हैं, बड़ी छोटी जितनी भी हैं सब ले लिया मैंने। अब आप इसमें इसको ऐसे ही रख दें और इसको प्रेस करें। ऐसे ही सभी ब्रांचेस के साथ करना है। अब आप इसके सभी होल्स बंद कर दें। इसमें जो आपने स्टेम को अंदर करना है कम से कम एक नोड तो रेत के अंदर जानी चाहिए और एक या दो नोड बाहर रहनी चाहिए। अब देखते हैं कितने दिनों बाद इसमें रूटिंग होती है। शेडी प्लेस में रखना है, सेमी शेड में रखना है जहाँ रोशनी मिले, हवा मिले, फ्रेश हवा, बट धूप में नहीं रखना। कटिंग को जब भी आप लगाते हैं तो आपने धूप में नहीं रखना होता, इस कटिंग को छाया वाली जगह में रखना, बट ओपन जगह में, घर के अंदर नहीं रखना। इसको ऐसी जगह में प्लेस करें जहाँ पे रोशनी मिले बट धूप नहीं आए। और जब भी आपको इसकी रेत सूखी दिखाई देती है तो आपने इसमें पानी डालना है, और ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये स्टेम गल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी और ये प्लांट आपका नहीं लगेगा।